नाज़रीन इकराम, आपने रऊफ़ हसन साहब की वीडियो भी देखी, उसके अलावा इमरान रियाज खान साहब की गुफ्तगू भी सुनी। नाज़रीन, ये गुज़िश्ता रोज़ जो मामला हुआ है रऊफ़ हसन साहब वाला, ये बड़ा संगीन नोयत का मामला है। जिस तरह से उन पर हमला किया गया, सीसीटीवी फुटेज जिस सामने जो आई हैं नाज़रीन, 4 से 5 लोग थे। बज़ाहिर तो उन्होंने ख्वाजा सराओं वाला गेटअप किया हुआ था। उन्होंने तेज़ धार आले से रऊफ़ हसन साहब पर हमला किया, वहाँ से ब्लेड भी मिले जिससे उन्होंने हमला किया। नाज़रीन, उनका जो निशाना था ना, वो बिल्कुल गर्दन की ये शाराख थी एक किस्म की। ये तो अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ कि वो बच के और उनके यहाँ मुंह के ऊपर कट लगे। नाज़रीन, ये बड़ा संगीन नोयत का मामला है। हुकूमत को चाहिए कि इसकी मुकम्मल तफ्तीश करे और पता लगाए कि आखिर वो कौन लोग थे। बाज़ार तो उन्होंने ख्वाजा सराओं वाला गेटअप किया हुआ था, मगर कुछ ख्वाजा सराओं की वीडियो सोशल मीडिया पर चल रही हैं कि हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, हम में से कोई इस तरह से नहीं होता। और नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने जो इमरान खान साहब का टेरियान वाला केस था, उसको भी उड़ा कर रख दिया। इससे पहले थाना खन्ना में जो 9 मई वाला मुकदमा था, वो भी उड़ गया, एक किस्म का उड़ गया, ख़त्म हो गया, बिल्कुल केस ही डिस्चार्ज हो गया। और नाज़रीन, अब वक्त करीब है, इमरान खान के जो बाकी केसेस रह गए वो भी जल्द इसी तरह से हवा में उड़ेंगे और इमरान खान साहब जेल से बाहर होंगे। नाज़रीन, मुझे दें इजाज़त, अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।